बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए मैं इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि भाई रास्त क्या होता है और रास्त लिंक कैसे होता है, रास्त को अनलिंक कैसे किया जाता है। अब मिसाल के तौर पर आपका रास्त किसी और अकाउंट से लिंक है लेकिन आपको पता नहीं चलता कि भाई आपका रास्त कहाँ पर लिंक किया गया है। सबसे पहले आप कैसे मालूम करेंगे कि भाई आपका रास्त कहाँ पर लिंक है? अब देखें, यहाँ पर मैं सेंड मनी में जाता हूँ, यहाँ रास्त में जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं एक नंबर लगाता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर लगाऊँगा ये वाला। अब ये नंबर मेरे भाई का नंबर है लेकिन उसको पता नहीं है कि भाई मेरा नंबर ये वाला रास्त में कहाँ पर लिंक है। तो भाई यहाँ मैं इंटर करूँगा, अब यहाँ पर मैं एक रुपया लगाऊँगा और नेक्स्ट करूँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपने वेट करना है और देखना है क्या नाम आता है। ये देखिए नाम जो आ रहा है तो उसको पता चल गया कि भाई ये कौन से अकाउंट में लिंक है। अब आपने क्या करना है, जिस अकाउंट से ये आपका लिंक किया गया है आपने उसी अकाउंट को ओपन करना है। जैसे ही आप उस अकाउंट को ओपन करेंगे तो आप उसके बाद क्या करेंगे, रास्ते में जाएंगे, रास्ते में जाने के बाद यहाँ ओके करेंगे और यहाँ पर आप नंबर लगाएंगे। अब मिसाल की बात है, दोबारा मैं नंबर लगा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नंबर लगाता हूँ, नंबर लगाने के बाद मैं ओके कर लेता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट किया और ये आ गया यहाँ पर। ये देखें, अब ये तो आपको पता चल गया कि भाई ये किसके नाम पर है, किसके नाम पर नहीं है। अब इसको आप अनलिंक कैसे करेंगे भाई, यहाँ से इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं कि भाई ये इस नाम से इसको लिंक किया गया है, इसको हम यहाँ से हटा के हम किसी दूसरे अकाउंट में इसको लिंक करना चाहते हैं। तो ऊपर देखें आपको नज़र आ रहा है रास्त आईडी मैनेजमेंट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर आएंगे, ये देखें लिखा हुआ है इजी पैसा अकाउंट से ये वाला रास्त लिंक किया गया है, एक्टिवेट माई रास्त आईडी। अब ये इसके साथ लिंक नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेट, अगर ये इससे लिंक होगा ऑलरेडी तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा अनलिंक माई रास्त आईडी। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, अनलिंक हो जाएगी आपकी ये वाली आईडी। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको अनलिंक कर सकते हैं। ये देखें लिखा हुआ है वेलकम टू रास्त, सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी इज मोर इजी नाउ विथ रास्त, रास्त इन वगैरह वगैरह यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है, कहने का मकसद है यहाँ से इसको आप अनलिंक कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो ये नंबर इस रास्त आईडी से लिंक नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेट माई रास्त आईडी। जब ये लिंक होगा तो यहाँ पर लिखा होगा अनलिंक या अनएक्टिवेट लिखा होगा या डीएक्टिवेट लिखा होगा, डीएक्टिवेट माई रास्त आईडी। तो आप यहाँ पर डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और ये आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी।